नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRTR BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक विभाग हिंदी कक्षा SYBA सेमिस्टर द्वितीय। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी। आज हम प्रसिद्ध हिंदी के कवि उदय प्रकाश द्वारा लिखित कविता विद्वान लोग देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। आइए सर्वप्रथम कवि परिचय कराते हैं। लेखक कवि परिचय इस प्रकार से है। भारत के प्रख्यात कवि कथाकार पत्रकार और फिल्मकार उदय प्रकाश का जन्म गांव सीतापुर जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1952 में हुआ था। पिछले 2 दशकों में प्रकाशित उदय प्रकाश की कहानियों ने कथा साहित्य के परंपरागत पाठ को अपने आख्यान और कल्पनात्मक विन्यास से पूरी तरह बदल दिया है। नए युग के यथार्थ के निर्माण में उदय की कहानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैविध्यपूर्ण जीवन अनुभव से लेस उदय की कहानियों पर कदाचित जितनी असहमतियां और विवाद दर्ज किए गए हैं उतनी किसी और की कहानियों पर नहीं, किंतु सभी असहमतियों और विवादों को पीछे छोड़ते हुए उदय प्रकाश ने पश्चिमी मापदंड पर टिकी हिंदी आलोचना की कसौटियों के सामने सदैव एक चुनौती ही खड़ी की। उदय प्रकाश जी ने कई लेखकों पर फिल्में बनाई हैं और बिज्जी की कहानियों पर धारावाहिक की। इनकी मुख्य कृतियां इस प्रकार से मानी जाती है। कविता संग्रह है सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा आदि। कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मैंगो सिर, दिल्ली की दीवार, अरबा परेबा, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास आदि। उनके निबंध भी हैं ईश्वर की आंख, नई सदी का पंचतंत्र और कुछ अनुवाद इन्होंने किए हुए हैं इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, कला अनुभव, लाल घास पर नीले घोड़े, रोम्या रोला का भारत, इतालो काल्विनो, नेरुदा, एहुदा अमिचाई, फर्नांडो पसाओ, कवाफी, लोरका, तादुष जोशेविच, जगवेज्वेज, अलेक्सांद्र ब्लाक आदि अनेक रचनाओं के अनुवाद किए हुए हैं। इनके कुछ प्राप्त सम्मान इस प्रकार है। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, मुक्ति बोध सम्मान, वनमाली पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, द्विजदेव सम्मान, पहला सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, सार्क राइटर अवार्ड, पेन ग्रांट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द गर्ल विद द गोल्डन परसोल, फ्रांस विशन गर्डब्रम आदि सम्मान है, कृष्ण बलदेव वैद्य सम्मान, महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कार, तिरछी आणि इतर कथा अनुवादित जयप्रकाश सावंत। इनका निधन 1 जनवरी 1917 में हुआ। आइए इनके द्वारा रचित कृति जो है विद्वान लोग देखते हैं। इस प्रकार से उनकी कृति है, उसका विश्लेषण है। पहले कविता का पाठ कराते हैं और उसके उपरांत हर एक शब्द हर एक पंक्ति में व्याप्त अर्थ भाव को समझते हैं। कविता इस प्रकार है। कम ही बोलते हैं विद्वान, चुप भी देखा गया है उन्हें ज्यादा। हंसते उन्हें देखा देख पाना एक कठिन सी चीज है और
जोर जोर से हंसते तो बिल्कुल भी नहीं, खांसते या गिरते उन्हें देखा गया है जरूर, या कभी कभार सार्वजनिक सुविधा में खड़े हुए भी, लेकिन खुशी में किसी से लिपटने और गुस्से में किसी को पीटने जैसा दृश्य नहीं दिया उन्होंने कभी। बहुत चुने हुए लोगों से, बहुत चुने विषयों पर बहुत चुनिंदा बातें करते हैं विद्वान लोग। वैसे वे हंसते तो होंगे जरूर कुछ दूसरे विद्वानों के सामने, कुछ विद्वान बातों पर विद्वान लोगों की हंसी या खींक भी विद्वान होती है, और उनका कारण जानना जो विद्वान नहीं है उनके बाहर की बात है। बहुत साधारण सी बातों पर जब सोचते हैं विद्वान लोग तो उनके सोचते ही वे बातें जुगनों में बदलकर मूर्ता के इस घनांधकार में चमकने लगती है। विद्वान आखिर वे सोचने की वजह से ही है, तो सोचने का ढंग है उनका अपना। विद्वानों को सहयोग से अगर जो विद्वान नहीं है उनके बीच रहना पड़ जाए तो उनका निधन हो जाए और वे हिंसक भी हो सकते हैं, क्योंकि सनद रहे ऐसा किसी किताब में नहीं है कि विद्वान हत्याएं नहीं कर सकते। विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहने देना चाहिए, इसी में विद्वान और दुनिया दोनों की हैरियत है। इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में कवि जो विद्वान लोग हैं उनकी बातें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात विद्वान लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वह किस प्रकार के व्यक्तित्व है, इसे बखूबी ढंग से यहाँ पर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए हर एक पंक्ति का अर्थ भाव समझते हैं क्या कह रहे हैं। पहली पंक्ति है, विद्वान लोग कम ही बोलते हैं, चुप ही देखा गया है उन्हें ज्यादातर। अर्थात जो लोग हमारे आसपास है और जिन्हें हम विद्वान मानते हैं, या समाज ने जिन व्यक्तियों को विद्वान की उपाधि दे दी है, ऐसे लोगों के बर्ताव का, व्यक्तित्व का हम अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि ऐसे लोग बहुत ही कम बोलते हैं, और कई बार तो अगर हम देखें तो वह चुप ही हमें दिखाई देते हैं। हमेशा बात करना या किसी विषय को लेकर बहस करना, ऐसे वह दिखाई नहीं देते। और तो और उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि हंसते उन्हें देख पाना कठिन सी चीज है। अर्थात उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं वह धीर गंभीर रहते हैं, हमेशा वह चिंतन मनन या किसी विशेष प्रयोजन के कारण उनका चेहरा जो है वह जो है गंभीर शांत दिखाई देता है, और वह तो मुस्कुराना हंसना दिखना कम है। और कवि कह रहे हैं कि जोर जोर से हंसते हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। हाँ, इन विद्वान लोगों को देखा गया है कैसे हंसते या गिरते जरूर, अर्थात यह विद्वान हंस नहीं रहे हैं। या आपके आसपास भी कोई विद्वान हो या जिन्हें मान्यता प्राप्त है, समाज कह रहा है, ऐसे लोगों का परीक्षण अगर करे तो वह हंसते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, हम सामान्य लोग उन्हें देख सकते हैं कैसे, तो खांसते हुए या लड़खड़ाकर गिरते हुए, या कभी कभार ऐसे लोग सार्वजनिक सुविधा के बाहर खड़े हुए भी हमें दिखाई देते हैं। और तो और इन विद्वानों की विशेषता भी यह है
वह खुशी से किसी से लिपटते ही नहीं। जैसे आम व्यक्ति है, वह जब आनंदित हो जाता है, खुशी उसे किसी बात से प्राप्त होती है, तो वह जाकर अपने दोस्त या घर वाले किसी से भी खुशी से लिपट जाता है, पर विद्वान लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा दृश्य भी दिखाई नहीं देता, वह ऐसा कि वह गुस्से में किसी को पीटते हो। वह भी दृश्य या विद्वान लोग किसी को पीट रहे हैं, ऐसा भी दृश्य नहीं दिखाई देता है। साथ में कवि कहते हैं, बहुत चुने हुए लोगों से, बहुत चुने विषयों पर बहुत चुनिंदा बातें करते हैं विद्वान लोग। इन विद्वान लोगों की विशेषता यह है कि वह कम लोगों से मिलते हैं। वह भी चुने हुए चुनिंदा, वह भी उनके ही विद्वान द्वारा लोगों द्वारा चुने हुए चुनिंदा लोगों से ही वह बात करते हैं, और वह जिनसे बातें कर रहे हैं वह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी बातें भी बहुत ही महत्व रखती है अपने आप। वैसे वह सस्ते तो होंगे जरूर कुछ दूसरे विद्वानों के सामने, अर्थात यह जो विद्वान लोग हैं उनके ही स्तर का कोई विद्वान व्यक्ति जब उन्हें मिल जाता हो, किसी बात को लेकर ठहका मारना, हंसना अगर होता होगा तो उनके ही सामने, और कुछ विद्वान बातों पर वह हंस होंगे। हाँ, विद्वान लोगों की हंसी या चीख भी विद्वान होती है। यहाँ पर कवि व्यंग्य कर रहे हैं कि ऐसे विद्वान लोगों की हंसना हो या ठीक हो, वह भी विद्वत्ता पूर्ण ही होती है, और उसका कारण जानना, यानी उनके हंसना ठीकना किसी भी कृति का कारण जानना बड़ा ही मायने रखता है या कठिन काम होता है। जो विद्वान नहीं है उनके बाहर की यह बात है कि यह विद्वान क्या बात कर रहा है, यह क्यों हंस रहा है, यह ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, इसे जानना जो विद्वान नहीं है उनकी बस की बात नहीं है। बहुत साधारण सी बातों पर जब यह सोचते हैं विद्वान लोग, तभी यहाँ पर विद्वान लोगों की विशेषता भी प्रतिपादित कर रहे हैं कि यह जो विद्वान लोग होते हैं वो किसी साधारण सी बात पर जब सोचने लगते हैं तो उनके सोचते ही वे बातें भी जुगनुओं में बदलकर मूर्था के इस अंधकार में चमकने लगती है। अर्थात विद्वान लोगों का सोचना ही अलग होता है। वो किसी सर्वसाधारण बात पर भी अगर बहस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो वह बात भी महत्वपूर्ण बन जाती है, और कोई समस्या हो छोटी मोटी तो उस पर भी वह प्रकाश डाल देते हैं। इस प्रकार से उनका सोचना आम जनताओं से अलग होता है। विद्वान आखिर के सोचने की वजह से ही है, और वह विद्वान क्यों कहला रहे हैं, उनके सोचने का ढंग, उनकी पद्धति, इस वजह से ही वह औरों से अलग विद्वान कहला रहे हैं। तो सोचने का ढंग है उनका अपना। विद्वानों को संयोग से अगर जो विद्वान नहीं है उनके बीच रहना पड़ जाए तो उसका निधन हो जाए। ऐसे विद्वानों की और विशेषता यहाँ पर व्यंग्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए है। ये लोग सोचने के कारण विद्वान हैं। अगर आम जनता में यह घूमने फिरने और रहने लग जाए तो हो जाएगा इनका निधन, क्योंकि इनकी सोच समझ अलग होती है। इन्हें ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे ही स्वभाव वाले मनुष्यों के साथ रहना पसंद है। अगर सर्वसाधारण जो विद्वान नहीं है उनके साथ अगर ये रहे तो शायद इनका निधन ही हो जाएगा।
और वे हिंसक भी हो सकते हैं, और ये लोग हिंसक भी हो सकते हैं। तब क्योंकि सनत रहे ऐसा किसी किताब में नहीं है कि विद्वान हत्याएं नहीं कर सकते, अर्थात इनके स्थितियों के विपरीत, अगर स्थितियों में इन्हें ढाला जाए, रखा जाए, इनके साथ बर्ताव किया जाए, तो यह अपनी विद्वता को ताक कर बड़ा कर्म भी, दुष्कर्म भी वह कर सकते हैं। ऐसी बात यहाँ पर सही रखते हैं, अर्थात विद्वान लोगों से विद्वत्तापूर्ण सम्मानजनक स्थितियां ही उन्हें आवश्यक होती है, वो उसी में रह सकते हैं, ढल सकते हैं, पर उसके विपरीत अगर उनके साथ हो जाए तो वह हत्याएं भी कर सकते हैं। इस प्रकार वह कह रहे हैं, विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहने देना चाहिए। इसलिए कवि इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि ऐसे विद्वान लोगों को उनका जैसा स्वभाव है, वातावरण है, उनकी विद्वत्ता है, उसका सम्मान करते हुए वैसे ही दुनिया में रहने देना चाहिए, क्योंकि इसी में विद्वान और दुनिया दोनों की खैरियत है, अर्थात दोनों का हित, पूरे दुनिया का हित और उन विद्वानों का हित इसी में है कि उन्हें उनके हाल पर, उनकी विद्वत्ता पर, उनके स्वभाव के अनुसार वैसे के वैसे रहने देना चाहिए। उनके साथ आम व्यक्तियों ने, सर्वसाधारण व्यक्तियों ने, या उनके बर्ताव के खिलाफ कोई बर्ताव, दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही बात यहाँ पर कोई कह रहे हैं। और खैर, अच्छी बात तो यह है कि विद्वान विद्वान ही रहे, वह उनके दुनिया में ही रहे, और इसी में सिर्फ लोगों का कल्याण है, दुनिया का कल्याण है। इस प्रकार विद्वान व्यक्ति के लक्षण, गुण, उनके व्यवहार, स्वभाव, इन सब बातों को लेकर कवि ने हमें इस बात से सचेत किया है कि ऐसे लोगों को उनके हालत पर छोड़ देना चाहिए। इसी में उन लोगों का भी हित है और दुनिया का भी हित है। देखते हैं काव्य का सार संक्षिप्त में। प्रस्तुत कविता में कवि ने विद्वान व्यक्तियों की पहचान बताई है, जैसे कि विद्वान व्यक्ति ज्यादातर चुप ही दिखते हैं, चुनिंदा बातें करते हैं, उनकी हंसी या छींक भी विद्वत्ता भरी होती है। विद्वानों को अगर उनके बीच रहना पड़ जाए जो विद्वान नहीं है, तो उनका निधन भी हो सकता है और वे हिंसक भी हो सकते हैं। और कवि का कहना यह है कि हो सके तो विद्वानों को विद्वानों की दुनिया में ही रहने देना चाहिए, इसी में विद्वान और दुनिया दोनों का कल्याण हो सकता है। और प्रस्तुत कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।